मॉर्निंग होम, ठीक है। आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे, राइट, तो बोर्ड्स में जैसे कि 4 मार्क के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे मिलते हैं और आपको वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ा, सो एक छोटी सी चीज है जो मैं राइटिंग की बात करता था ना, जहां पे आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते थे थोड़ा बहुत, राइट। जैसे कि आई थिंक जब मैंने क्लास ली थी, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट, इन्वर्टर डाउन हो रहा है। ओके, आई डोंट नो कितने देर तक चलेगा वैसे, अगर लाइट नहीं है, बिकॉज पूरा रात है लाइट नहीं था। एनीवेज, सो ये अपना लेक्चर 1 है कंटिन्यूटी का। तो आप में से बहुतों ने ये सवाल पूछा था ना कि ये वाला जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन, हमने बोला है कि किसी पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे हमारा लिमिट का वैल्यू और हमारा फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों, लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देख सकते हो क्या किया हुआ है, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहाँ पे किया गया लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यही छोटी सी चीज मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो मान लीजिए कि हमको किसी भी पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना है किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए हमको लिमिट कैलकुलेट करना है, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग ए, और हमारे पास है लेट्स से कौन सा फंक्शन ले ले, इसको 0 कर देता हूं अभी, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इट वोंट मैटर दैट मच। और मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, ठीक है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, हम यहाँ पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम x हमारा a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन होता है, और वो छोटा सा एजम्पशन है कि लेट x इज इक्वल टू a माइनस h, क्योंकि हमें पता है कि a को वो कभी भी बराबर नहीं होगा, a से हमेशा थोड़ा सा छोटा होने वाला, तो हम यहाँ पे एजम्पशन करेंगे लेट x इज इक्वल टू a माइनस h, ठीक है। तो अगर x को आप a माइनस h करते हो, और यहाँ पे क्योंकि आपका x जो है वो a को टेंड कर रहा है, ए को टेन कर रहा है, तो आपका जो एच होगा वो 0 को टेन करेगा। तो बेसिकली ये जो चीज हम देख रहे हैं इसको बस आप थोड़ा सा रीराइट कर लेना, ठीक है, मतलब इसका अगला स्टेप में ये लिखना, ये लिखने के बाद आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, लिमिट अब वो ए एक्स अप्रोचिंग ए माइनस हो जाएगा एच अप्रोचिंग 0, और यहां जहां जहां पे एक्स होगा अब वहां पे आप क्या पुट करोगे, ए माइनस एच पुट करोगे, ठीक है।
एक्स के जगह पे ए माइनस एच रख रहे हैं, क्यों ए माइनस एच रख रहे हैं, बिकॉज ए से हमेशा हमारा वैल्यू थोड़ा सा छोटा होगा, राइट? सो व्हेनेवर द एक्स विल अप्रोच ए, द एच विल अप्रोच जीरो, एंड दैट इज व्हाई वी विल रीराइट द लेफ्ट हैंड लिमिट एज लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच. सेम चीज आप राइट हैंड लिमिट के साथ भी करोगे स्टूडेंट्स. राइट हैंड लिमिट में क्या रहेगा, राइट हैंड लिमिट में आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए प्लस होने वाला है, राइट? और एफ ऑफ एक्स. तो अब यहां पे हम लोग सेम चीज अगर करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू एक एक्स को अब हम ए प्लस एच मान लिए, ठीक है, क्योंकि अब हमारा वैल्यू जो होगा वो ए से थोड़ा बड़ा होने वाला है. और फिर से वही सब चीज कि यहाँ पे भी अगर एक्स हमारा ए को अप्रोच कर रहा होगा तो हमारा एच जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होगा. सो जो आपकी राइट हैंड लिमिट होने वाली है वो राइट हैंड लिमिट बन जाएगी लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में यूज कीजिएगा, स्पेशली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 1 नंबर या 2 नंबर में यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके. और बस यही स्टेप है. तो जहां जहां पे एच होगा एक्स होगा, एक्स के जगह पे ए प्लस एच डाल देना और उसके बाद कैलकुलेट करना. जैसे मैं ये क्वेश्चन आपके सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है. लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए जीरो. बट अभी अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, अगर हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो उस लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कि हम लोग यहां लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. और फिर आपको जो बताया गया आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए. अब यहाँ पे ए के जगह पे स्टूडेंट जीरो आ गया है, ए के जगह पे जीरो आ गया है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस एच. फिर से वही सारी लॉजिक है, एक्स अप्रोचिंग जीरो इंप्लाइज एच अप्रोचिंग जीरो भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है. एंड सो यू विल रीराइट द लेफ्ट हैंड लिमिट एज लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो. अब यहाँ पे एक्स के जगह पे माइनस एच चला जाएगा, एक्स के जगह पे माइनस एच चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ठीक है. अब माइनस एच का होल स्क्वायर तो आपका एच स्क्वायर ही बन गया अपॉन माइनस एच. ऊपर नीचे से एक एक एच कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पे माइनस एच बचा. सो फाइनली वी आर, अच्छा हर जगह लिमिट लिखना भूल रहा हूँ मैं, तो इसको यहाँ लिख देते हैं लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो माइनस एच. और अब हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे बिकॉज हमने कॉमन फैक्टर को ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया जिसके कारण वो जीरो बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो. ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया. अब अपन कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट का मतलब यहाँ पे होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. और अब एक्स के जगह पे क्या रखोगे, जीरो प्लस एच रखोगे. एक्स के जगह पे ए प्लस एच रखते हैं राइट हैंड लिमिट में, बट ए यहाँ पे जीरो है, तो जीरो प्लस एच हो गया. फिर से वही चीजें, एक्स अप्रोचिंग जीरो होगा तो एच अप्रोचिंग जीरो भी रहेगा. और सो दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एक्स के जगह पे अब एच आ रहा है तो एच स्क्वायर अपॉन एच. देख सकते हो ऊपर नीचे से एक एक एच कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी जीरो आ गया. तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी जीरो आ गया एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी जीरो आ गया. ये भी जीरो है और ये भी जीरो है. अब क्योंकि दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई, इसका मतलब कि ये फंक्शन पे, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे और उसकी वैल्यू है जीरो. सो द ओनली चेंज, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग खाली ये ही चीज जो है ये एक्स्ट्रा हो जाता है ना, खाली ये चीज एक्स्ट्रा है, बाकी तो आप ऐसे ही सॉल्व करते हो. सिमिलरली यहां भी अगर बात करें तो यही पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं. सिमिलरली यहां पे दिस इज माय एक्स्ट्रा पार्ट, दिस इज माय एक्स्ट्रा पार्ट, जहां पे आपने लेट किया है, आपने एक्स को ए माइनस एच लेट किया है, फिर आपने लिमिट को चेंज किया है और आपने लिमिट का एक्सप्रेशन को रिलेट किया है. सिमिलरली यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा हो गया. बस दिस इज द स्टार्टिंग 3 स्टेप्स.
उसके बाद जिस तरीके से हमने सीखा हुआ है ना, हम वैसे ही प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। एनी एनी इश्यूज हियर स्टूडेंट्स? क्या आपको ये आइडिया हो गया? ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे कंटिन्यूटी के, स्पेशली 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, जहां पे आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, जहां पे आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो वहां पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ाना है। और हम लोग जो राइटिंग फॉलो करने वाले, ये अपने एनसीईआरटी की राइटिंग है। आप याद करो, जब मैं लिमिट्स पढ़ा रहा था तब मैंने ये चीज आपको नहीं बताई थी, क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट सॉल्विंग द लिमिट्स। बट अब क्या होगा कि 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो ए माइनस एच पुट करना और एक्स के जगह पे ए माइनस एच पुट करना, और लिमिट जो होगा एच अप्रोचिंग जीरो हो जाएगा। और अगर राइट हैंड लिमिट का क्वेश्चन हुआ तो एक्स के जगह ए प्लस एच रखना और लिमिट वहां भी एच अप्रोचिंग जीरो होगा। ठीक है, सो दिस छोटी सी चीज यू हैव टू रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग डाउन द सॉल्यूशंस। ठीक है, स्पेशली किसमें? 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में। ओके, चलिए। सो अब हम मूव ऑन करते हैं। मैंने तीन तीन चार चार क्वेश्चंस रखे हैं पास करके 2017 से। निखिल पूछ रहा है कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हाई मार्क्स के लिए आता है? आता है निखिल। अब देखो, सबसे पहले तो कंटिन्यूटी की अगर एज अ टॉपिक बात करोगे तो इट्स वेरी इजी ना। 3 मार्क या 4 मार्क में क्वेश्चंस आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, कंटिन्यूटी से या डिफरेंशिएबिलिटी से, और दोनों ही आसान है क्योंकि दोनों सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो नहीं आया तो थोड़ा सा किस्मत खराब कह सकते हो, लेकिन आ गया तो इट्स वेरी स्कोरिंग, कोई नहीं छोड़ता है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 1 मार्क के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 1 मार्क के। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस का आपका अप्रोच क्या रहेगा? सो जनरली यू हैव टू डिस्क्राइब इन 1 वर्ड। जनरली यू हैव टू डिस्क्राइब इन 1 वर्ड और 1 लाइन। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा, किसी क्वेश्चन का सवाल पूछा है 1 नंबर में, ठीक है, आपसे पूछ लिया कि बताइए, एक मैं मान लो कि यहीं पे एक क्वेश्चन लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आपको इसका वैल्यू पूछा कि इवैल्यूएट दिस, ठीक है, आपसे इसका पूछा इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन। अब ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया है, तो अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया ना, तो आपको स्टेप्स दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने क्या पूछा इवैल्यूएट पूछा है, तो आपका वहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप सीधा वैल्यू पुट कर दो। एक्स के जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 स्क्वायर 25, 2 × 5 10, तो 25 प्लस 10 35। तो अगर आप अपने आंसर में सिर्फ 35 भी लिखते हो, यू विल गेट 1 मार्क, कुछ नंबर वहां पे नहीं कटेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, एक ही वर्ड में लिखना है, एक्सप्लेन मत करने लग जाना। ठीक है, अगर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, अगेन 1 वर्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड हो गया, ट्रू फॉल्स 1 मार्क हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 1 मार्क, मतलब कि सीधा करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है, तो उसके बाद कैसे आया वो ऑप्शन, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और कहीं पे अगर उसने लिखा एक्सप्लेन इन ब्रीफ, कहीं पे उसने लिखा एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो कोशिश करना है 1 से 1.5 लाइन के अंदर ही खत्म कर देने के लिए। ऐसा नहीं कि उसने पूछा एक्सप्लेन करने के लिए तो ईगो पे ले लिया और ऐसा प्रूफ किया कि मतलब एग्जामिनर खुश हुआ और आपको 1 में से 1 नंबर दिया। ठीक है, चलिए, सो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, द टाइम विल बी 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट होते ही मैं आंसर बता दूंगा।
ये वाले क्वेश्चन मैंने ओसवाल की बुक से सीधे उठाए हैं, ठीक है? तो यहाँ ये सॉल्व कर लोगे तो ओसवाल वगैरह दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस यही हो जाएगा। दो मिनट हो गए, कितना है आंसर? चैट बॉक्स में आपको सिर्फ आंसर लिखना। वैसे इस क्वेश्चन का ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है? 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। चलिए, सो आई एम डिस्कसिंग द सॉल्यूशन नाउ बिकॉज आपको थोड़ा आदत लगाना पड़ेगा इस तरीके से। 2 मिनट से ज्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन में नहीं दे सकते। आपसे पूछा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, ये आप अपने रफ में करोगे। ये जो सॉल्यूशन होगा ये आप अपने रफ में करोगे, इसको वहां पे दिखाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो 1 मार्क क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्यूशन दिखाया, उधर एक छोटी मोटी गलती हो गई, तो टीचर को आधा नंबर काटना पड़ सकता है। तो इसलिए आप वो चीज तो फॉलो नहीं करोगे ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 नहीं होने से आपको ये बोला है, राइट? और एक्स का वैल्यू 3 होने से के दिया हुआ है। आपसे पूछा गया क्या वैल्यू होगा के का जिसके कारण फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपके दिमाग में ये तो चलेगा कि अगर इस कंटिन्यूअस है तो मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग 3 किसके बराबर होगा? हम नहीं देखेंगे पर क्या क्या निकल ओके सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन होगा ये रफ में करोगे, ठीक है? एंड क्योंकि फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस, पहले ही बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस लिमिट का वैल्यू ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस ही बात है कि रफ में आप ये भी नहीं लिखोगे ना, रफ में ये भी नहीं लिखोगे कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये बस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। आइए अब लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे जो लिमिट कैलकुलेट करना है, अगर आप एक्स का वैल्यू 3 पुट करते हो, एक्स का वैल्यू 3 पुट करते हो तो क्या हुआ, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अच्छा याद करना, तो यार एक बार मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल बताया था, एल हॉस्पिटल रूल बताया था कि अगर ऊपर और नीचे 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, याद है सबको? तो यहाँ पे अगर आप एल हॉस्पिटल रूल एक बार लगा लेते हो तो क्या होगा, देखो तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बन जाएगा, 2 times of x plus 3। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है और -3 वो कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इनफैक्ट ऊपर जो -36 है वो भी कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। और यहाँ पे तो k आने वाला है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के जगह पे 3 रखेंगे। x के जगह पे आप जैसे 3 रखोगे तो 3 plus 3 6, 6 to the 12, तो ये 12 आ गया, k का वैल्यू 12 निकल कर आ गया, ठीक है? नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करता, मुझे मान लो किसी ने, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और मुझे इंस्टेंटली उसको सॉल्व करके आंसर देना है, मैं कितना चीज लिखूंगा अपनी कॉपी में, आई विल राइट डाउन ओनली दिस थिंग बिकॉज मुझे क्वेश्चन वहीं पे दिख रहा होगा, तो मैं पहला लाइन जो ब्लू कलर से लिखा वो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे ये लिमिट लिखने की भी जरूरत नहीं है, है ना, ये लिमिट लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा 0/0 का फॉर्म बन रहा है, फैक्टराइजेशन वगैरह पे क्यों टाइम बर्बाद करें, फैक्टराइजेशन करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। बट फैक्टराइजेशन से भी इजी क्या रहा यहाँ पे, LH रूल है गया, ठीक है? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये 1 मार्क का है ना, आपको ये शो नहीं करना है, यू डोंट हैव टू शो दिस, याद रखना इस चीज को। आपको सिर्फ कितना लिखना होगा अपनी कॉपी में, k इज इक्वल टू 12। सर यस, डायरेक्ट k इक्वल टू 12 लिखेंगे। हाँ, और ये ऊपर का मतलब सिर्फ डायरेक्ट आंसर, 1 मार्क मैं बता रहा हूँ कि 1 मार्क के अकॉर्डिंग हमारा उस टाइम पे अप्रोच क्या रहेगा। ओके, 1 मार्क के लिए, ठीक है? ये CBSE की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने मन से बता रहा हूँ। अगर आप कॉपीज उठा के देखोगे 2017-18 हर साल के टॉपर की कॉपी तो अपलोडेड रहती है, आप उठा के देखना उनकी कॉपी, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। और
इवन जब सीबीएसई ने इस साल, आप एक और चीज कर सकते हो, सीबीएसई ने जो आपके सीनियर्स के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज किया है और उसका मार्किंग स्कीम रिलीज किया, आप एक बार वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस किया है, लेकिन आप उसको एक बार डाउनलोड करो, आप देखो वहाँ पे 1 मार्क के जो क्वेश्चन है और उसका मार्किंग स्कीम में उन्होंने सोल्यूशन कैसे दिया और उसको किस तरीके से वो मार्क कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं, वहीं से आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है. सो द ओनली थिंग विच यू हैव टू राइट, विच यू हैव टू राइट इन द आंसर कॉपी, in the answer sheet is k is equal to 12, है ना. यही चीज सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, k is equal to 12, इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अगला क्वेश्चन है, देखो अगेन इट्स अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, 2017 में ही आया हुआ है. सो टू मिनट सॉरी, अब so animesh very good your answer is correct. Divyanshu galat, saurav galat hai, silly mistake ho raha hai. Saurav and divyanshu check kijiyega. Aryan silly mistake kar rahe ho. Abhishek correct. Choti si silly mistake ho rahi hai. Dekhiye guys, wo wahan pe mod hai aise differentiate ho sakta hai ki ab yahan pe मतलब आपका अंदर का डिफरेंशिएशन का जो भूत है वो जाग गया हो और आपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया के इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन के और आपने मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन को भी 1 बना दिया, है ना. हो सकता है कि आपने उसके डिफरेंशिएशन को 1 बना के इक्वल टू 3 कर दिया और यहां से आपने के का वैल्यू 3 निकाला, बट दैट विल बी रॉन्ग. गलत क्या है कि मॉडुलस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, आपको पहले उसको डिफाइन करना होता है. आर्यन अभी भी गलत है, दीक्षा गलत, दिव्यांशु नॉइट्स करेक्ट. देखिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, 2 मिनट हो चुके हैं. सॉल्यूशन, तो आपका यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कहने के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो देखिए लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन का डेफिनेशन अलग है, राइट. ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 में हमारा फंक्शन है कॉन्स्टेंट. तो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट x approaching 0 minus kx upon mod x is equal to limit x approaching 0 plus 3. Yes, left hand limit and right hand limit should be equal to same. अब left hand limit के time पे हम function लेंगे ऊपर वाला, right hand limit के time पे हम function लेंगे नीचे वाला. अब यहाँ पे सिर्फ छोटी सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, मॉड है. अच्छा ये बताओ अनिमेश,
हमने मॉड में एक छोटी सी बात डिस्कस की थी कि अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो लेस देन जीरो जा रही है तो मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास मॉड एक्स दिख रहा है, अगर आप वहां से मॉड को रिमूव करते हो तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा माइनस एक्स, ठीक है, वो बन जाएगा आपका माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ तो कॉन्स्टेंट है तो लिमिट लगा के भी थ्री आने वाला है। सो नाउ यू कैन सी दैट एक्स एंड एक्स विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास माइनस के बचेगा सर, माइनस के इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, और माइनस के अगर थ्री हो गया तो के का वैल्यू माइनस थ्री निकल कर आएगा, ठीक है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, वन मार्क का क्वेश्चन था, तो अगेन हमारी नोटबुक में खाली के इज इक्वल टू माइनस थ्री होता, बाकी सारी चीजें हम फटाफट रफ में करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन 2 मिनट्स का टाइम। ओके, कितना आया आंसर? ओके, सो मिक्स्ड आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों के 3/2 आंसर आ रहे हैं और कुछ ने 1 आया है। अच्छा, इफ इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, स्टूडेंट्स लिसन टू मी, इफ इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन कांट वी अगेन यूज एलएच रूल? मैं क्यों एलएच रूल लगाना चाहता हूं? बिकॉज फंक्शन कंटीन्यूअस दिया हुआ है, तो लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन ऑफ 3x अपॉन 2 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट जीरो, यही होता है ना अगर हमारा पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो, राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एक्स की जगह पे जीरो पुट कर रहे हो तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, बिकॉज ऊपर साइन जीरो आ गया और नीचे एक्स है, तो साइन जीरो अपॉन जीरो मतलब 0/0 का फॉर्म हो गया। सो इफ इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0, क्यों ना हम जल्दी से डिफ्रेंशिएट ही कर ले, सबसे आसान वो नहीं लगता है क्या? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, कॉस एक्स होगा, और 3/2 बाहर आ जाएगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3/2 कॉस एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा। एंड अगेन देखो, ये सब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, बस दिखा स्टेप दिखाने के लिए किया जा रहा है आपको, नहीं तो अपनी कॉपी में हम क्या करेंगे? अपनी कॉपी में हम खाली उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लिया तो डिनोमिनेटर हट गया, और अब कॉस एक्स में जो एक्स है एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे, एक्स के जगह पे जीरो रखोगे कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली 3/2 बराबर के। कोई दिक्कत? इज इट ओके एवरीवन? प्लीज हैव अ लुक, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आवर बोर्ड एग्जाम्स, कि वहां पे आएगा तो हम किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं।
सर जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है x is not equal to 0, इसका क्या मतलब है? x is equal not equal to 0 का मतलब है आर्यन कि आप 0 छोड़ के कोई भी इनपुट डालोगे ना तो आपका फंक्शन का आउटपुट वहां से निकल कर आएगा। जैसे आपने x का वैल्यू 5 डाला तो वहां से आउटपुट निकल कर आएगा, x का वैल्यू माइनस 10 किया तो भी वहां से आउटपुट निकल कर आएगा, लेकिन x का वैल्यू अगर 0 डाल रहे हो तो आपका आउटपुट निकलेगा k, ठीक है? तो जब जब लिमिट की बात होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट करोगे या राइट हैंड लिमिट करोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस, दोनों ही केस में 0 तो नहीं है वो, या तो 0 से थोड़ा बड़ा या 0 से थोड़ा छोटा, तो दोनों ही केस में हम कौन सा फंक्शन पिक करेंगे? ऊपर वाला फंक्शन पिक करेंगे, ठीक है? रितेश आ रहा है समझ में? यस सर। गाइस और चैट में आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए, दीज आर ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना? These are all past year questions. Chalo. Now we'll move to short answer type questions. Ye hote two mark questions. Theek hai, ye hote two mark questions. Ab yahan pe hamara target kya hota hai? To ab aap one liner wali duniya se thoda bahar nikal kar aaoge aur koshish karna short mein explain karne ka. Ab short mein explain ka matlab kya hoga? To jo aapko lagta hai ki bare minimum hona chahiye question ko explain karne ke liye. बेयर मिनिमम होना चाहिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मान लो कि अब क्वेश्चन में आपको फिर से कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन होगा, अब वहां पे लिखिए कि फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, इस तरीके से लिखिए। फैक्टराइजेशन अब वहां पे अवॉइड करना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखना अवॉइड करना, ठीक है? डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिखना। चलो मैं बात करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगेन इट्स अ टू मार्क क्वेश्चन। Find the value of k for which the function is continuous at x is equal to 2. K की value निकालिए जिसके कारण ये function continuous होगा। अब यहाँ पे L-Hospital rule नहीं लगाना। वेरी गुड रिवांश, वेरी गुड आर्यन, सौरभ वेरी गुड, अनिमेश सही है, रितेश सही है, पांच लोगों के आंसर आ चुके हैं, अभिषेक का भी आंसर आ गया, गुड। दिव्यांशु का आंसर आ गया, सात लोग हो गए। ओम आंसर कहाँ है आपके? निखिल, दीक्षा, अंशु, अंशु एकदम सोए, अंशु एक बार अनम्यूट करना। तो यस सर, पूरे टाइम तक एक मैसेज नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं चला आप जिंदा हो कि नहीं हो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? कर रहे हैं सर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है फिर, ठीक है? ओके सर। ओम आपके साथ भी यही है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा अभी आपकी तरफ से। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ओम, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि जो लिमिट्स की क्लासेस आपने बहुत ज्यादा मिस की थी, नॉन सीरियस हो गए थे उस टाइम पे, ये उसी का इफेक्ट है। बिकॉज मैंने बहुत बार इस बात को सबको याद करवाया था कि लिमिट्स इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर कंटिन्यूटी। चलिए तो मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा टू मार्क्स के पॉइंट से, ठीक है? टू मार्क्स के पॉइंट से तो मेरा सॉल्यूशन में क्या होगा? फॉर द फंक्शन, टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2
x square plus 3x minus 10 upon x minus 2 is equal to f of 2. ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग लाइन हो गया. ओके, अब जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की वैल्यू तो k है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट दिख रहा है, एलजेब्रिक है. ऊपर भी x का वैल्यू 2 पुट करने से 0 बन रहा था और नीचे भी x का वैल्यू 2 पुट करने से वो 0 बन रहा था. ठीक है, तो 0/0 का फॉर्म जब बनता है स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल जाता है कि अगर वो एलजेब्रिक है, इनफैक्ट पॉलीनोमियल है, सो वहां पे फैक्टर्स छुपे होते हैं. और फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2 का फैक्टर होगा. तो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, जहां भी दिक्कत होगा ना प्लीज अनम्यूट करके पूछिएगा. मतलब जितना मैं लिख रहा हूँ इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको बोर्ड में. तो ऊपर फैक्टर बनेगा अपना x माइनस 2 का, तो ब्रैकेट लगाओगे. अब बैलेंस करना है ना, या तो आप इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लो या डिवाइड कर लो x माइनस 2 से, जैसा आपका चॉइस. तो आपके पास ऊपर आएगा ये x प्लस 5 और नीचे है x माइनस 2. तो फाइनली जिस फैक्टर के कारण 0 बन रहा था, x माइनस 2 के कारण 0 हो रहा था, वो कैंसिल हो गया. और अब आप क्या कर सकते हो, अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, लिमिट का वैल्यू पुट कर दो. तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 का वैल्यू था के. तो यहां से के 7 आ गया, के का वैल्यू हो गया. इतना लिखो, दो नंबर मिलेगा. हाँ निवेश बताओ. सर ये क्या है, ये चीज? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सर ये आर एंड यू क्या लिखा हुआ है? वो पता नहीं यार, मैंने भी देखा कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ था, इधर आर एन यू हर जगह था. उस वाला लुका होगा, कुछ अपना कोड वर्ड होगा सीक्रेट. हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. टाइम विल बी 2 मिनट्स अगेन, हरी अप, जल्दी जल्दी करो. अभी तो कहीं ना कहीं देखो 1 minus cos 4x को किसमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. तब तक मैं स्टार्टिंग का लाइन लिख लेता हूं. करेक्ट एनिमेश, एलएच रूल से लगा लिए क्या या फॉर्मूला यूज कियो? दिव्यांशु सही है, फॉर्मूला ठीक है. कौन सा फॉर्मूला सबको बता दो सर? पहले तो 2 sin स्क्वायर थीटा / 2. ठीक, उसके बाद फिर sin x. ठीक ओके स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या है? 1 माइनस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, 1 minus cos 2 theta इज इक्वल टू 2 sin square theta, एंगल हो जाता है हाफ. ठीक है, और साइन में आ जाता है. सो 1 minus cos 2 theta इज इक्वल टू 2 sin square theta. ये मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. अंशु, ओम, आप लोगों का हालत बहुत खराब है. ओम तो जस्ट लीव कर गया, शायद इंटरनेट के कारण होगा या जो भी होगा. बट जिन आशुतोष को तो चलो बताना, कोई बोलना कोई फायदा नहीं है. बट स्टिल अंशु एंड आशुतोष, यू कैन नॉट डू अ क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी अंटिल एंड अनलेस यू आर गुड इन लिमिट्स. ठीक है, देख सकते हो हर जगह लिमिट्स कैलकुलेट हो रहा है. आशुतोष आप तो सारी क्लासेस करते हो, लेकिन सारी क्लासेस करके पूरा टाइम प्रेजेंट रह के नील बट्टा सन्नाटा बनना भी बहुत मुश्किल की बात है. लिमिट चैप्टर ठीक से उस पर कमांड नहीं है. आपका कौन सा चैप्टर पे ठीक से कमांड आया है?
मैट्रिक्स मैट्रिक्स हाँ अभी टेस्ट है मैट्रिक्स का, पता चलेगा। चीटिंग नहीं किए तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि कभी रिस्पॉन्ड जब करोगे नहीं ना क्लास में, एक क्लास में अगर आप एक रिस्पॉन्स कर रहे हो तो आप उसे क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ोगे। 1 माइनस कॉस 4x, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बेसिकली पहले तो आपका आएगा 2, फिर लिखोगे साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, 4x का हाफ हो जाएगा 2x, ठीक है, तो यहाँ पे 2x आ गया। अच्छा नाउ अब आपको साथ में बैलेंस भी करना है, बिकॉज हमें दूसरा फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे लगाना है, हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है कि sin x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है एंड sin square x अपॉन x square का वैल्यू भी 1 होता है, तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो ऊपर अभी एंगल है 2x, जबकि नीचे हमको सिर्फ x square दिख रहा है, नीचे हमको सिर्फ x square दिख रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए, हमने उसको 2x square लिख दिया, लेकिन 2x square लिखने का मतलब 4, 2 का स्क्वायर अलग से मल्टीप्लाई, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये देखो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरीके से, और यहाँ पे f ऑफ 0 का मतलब तो हमारा p है ना, f ऑफ 0 का मतलब हमारा p है। सो अब अगर हम इस 2 को और इस 2 स्क्वायर 8 को बाहर भी निकाल ले तो हमारे पास बचेगा 8 टाइम्स लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2x, या फिर स्क्वायर चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, जैसा आपका चॉइस, जनरली हम बुक्स वगैरह में आपको स्क्वायर बाहर दिखेगा। फिर अगले स्टेप में इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है, तो आप 1 स्क्वायर लिखोगे इज इक्वल टू पी, इंप्लाइज पी का वैल्यू है 8, ठीक है, पी का वैल्यू है 8। ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, so I'm moving on to the next question. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। एक दो मिनट के लिए ट्राई करो, फिर मैं पहला हिंट दूंगा यहाँ पे। चलिए, तो मैं पहला हिंट देता हूँ जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज, अगेन ट्रिक, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक यूज हो रहा है। क्या लॉजिक यूज हो रहा है कि जब हमारे पास साइन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, इसी की बात कर लेता हूं। जब आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले यस दिव्यांशु बताओ, यहाँ पे जो लिखा है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x बाय 4 होगा यहाँ पे, या फिर पाई बाय 4 होगा, पाई बाय 4 यहाँ पे, ये पाई बाय 4, हाँ
फाइव है, ठीक है। एल एच रूल नहीं लगाना अनिमेश, अब हम लोग एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल कहाँ लगाएंगे हम लोग बोर्ड्स में? पहले तो हम बोर्ड्स में शो नहीं कर सकते कि हम एल एच रूल लगा रहे, बट एक नंबर के क्वेश्चन में जब हमको फाइंड आउट करना है लिमिट, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनना है, तो अपन रफ में जल्दी से उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। बट जैसे ही आप टू मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाओगे, आपको एक दो स्टेप दिखाना ही पड़ेगा लिमिट कैलकुलेशन का, ठीक है। सो इसीलिए अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगने वाला है, वी आर गोइंग टू, इसलिए मैं सबकी राइटिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसे पहचानोगे? साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। पहली चीज है, साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। जब दोनों का एंगल सेम होता है तो एक रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। तो इससे क्या होता है कि साइन एक्स जो है इसके आगे भी रूट टू आ जाएगा, और ये जो कॉस एक्स है इसके आगे भी रूट टू आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये हम वहां पे अप्रोच अपना रखते हैं। अच्छा, मेरे को साइन ए कॉस बी का फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, कब कब करोगे ये? जब आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो एक सिंगल टर्म साइन के, साइन में सिंगल टर्म साइन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप हमेशा रूट टू से मल्टीप्लाई करते हो और अंदर रूट टू से डिवाइड करते हो। तो बेसिकली जब आप ब्रैकेट के अंदर से एलसीएम लोगे तो रूट टू का ही एलसीएम आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया ना, वो जो वन बाई रूट टू दिख रहा है, वन बाई रूट टू जो दिख रहा है वो साइन 45 की वैल्यू भी होती है और cos 45 की वैल्यू भी होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको sin x cos 45 मतलब पाई बाई 4 माइनस cos x sin 45, sin 45 मतलब यहाँ पे sin पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे ये बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, which is sin of a माइनस b, which is sin of a माइनस b। ओके, अब यहां पे इसको यहां पे रखते हैं लिमिट। अब सोच सकते हो कि यहां पे मैं जो स्टेप्स लिखूंगा वो वही रहेगा, तो मैं मेन पार्ट पे आता हूं अब इधर, ठीक है। यहां पे हमारा लिमिट क्या रहेगा? लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाई 4, रूट टू बाहर चला गया। अच्छा चलो, अभी रूट टू को भी रहने देते हैं। अब थोड़ा सा स्टूडेंट आप ये देखिए, एंगल को देखिए, x माइनस पाई बाई 4 हो रहा है ना, साइन का एंगल है x माइनस पाई बाई 4, जबकि डिनोमिनेटर में क्या है 4x माइनस पाई है। हमको उधर क्या चाहिए? x माइनस पाई बाई 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप डिनोमिनेटर में 4 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x माइनस पाई बाई 4 आएगा, ठीक है, x माइनस पाई बाई 4 आएगा। अब उससे फायदा ये होगा कि आपका रूट 2 और आपका 4 दोनों बाहर निकल जाएंगे, रूट टू, क्योंकि अब बाकी चीजों पे देखोगे तो इसके ऊपर तो लिमिट वन लग जाएगा, इसके ऊपर आपका लिमिट वन लग जाएगा, ठीक है। एंड यहां पे फाइनली हमारा वैल्यू निकल कर आएगा रूट टू अपॉन 4 इंटू 1 इज इक्वल टू के, कुछ गलती तो नहीं हो रहा, एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, यही आंसर। सो रूट टू अपॉन 4 आपका आंसर है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, तो डिनोमिनेटर में जो 4 दिख रहा है उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 को फर्दर आप 2 इंटू रूट टू लिख सकते हो, एक एक कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 1/2 रूट 2। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। In fact, the main part of the question was ये solve करना, ठीक है, very good Anshu, ठीक है। आर्यन थोड़ी सी गलती, okay? तो ये वाला part आप एक चीज सीखे हो जो कि boards में पूछा गया recently, हो सकता है अभी भी use कर लिया जाए, okay?
बाकी तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। बड़े आगे फिर स्टूडेंट्स, इट्स 9-7, मूव फॉरवर्ड। एल हॉस्पिटल से आंसर तो हमेशा सही आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं अनिमेश, ठीक है, हमेशा आंसर सही आएगा ही। ओके चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जनरली मान लो ये 4 मार्क क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ने वाला है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग से, अब यहाँ ऐसा होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरली, मैं सिर्फ ये कंटिन्यूटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जनरली फंक्शन फॉर LHL एंड RHL आर डिफरेंट, क्या होता है अगर आपने ऑब्जर्व किया है पीछे इसके क्वेश्चंस में, 2 नंबर के क्वेश्चंस में, तो चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले चाहे हम राइट हैंड लिमिट ले, हमारा फंक्शन वही था। यहां पे भी देखो x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए ऊपर वाला फंक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए वही पिक करोगे। तो ये छोटी सी चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की है 2 नंबर के क्वेश्चन में, वो वही फंक्शन देते हैं जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो। बट जब लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ऐसा रहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन होगा, उसमें अलग रूल्स लग सकते हैं, राइट हैंड लिमिट में का अलग फंक्शन होगा, उसमें अलग रूल्स लग सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट को सिंप्लीफाई कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट को सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी लंबा हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल लिखना नहीं होता। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब आप ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, आप ये कह सकते हो कि लास्ट क्लास में हमने जो एंड में आधे घंटे 45 मिनट में जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे वैसा टाइप। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पाई बाई 2 से छोटा वैल्यू के लिए सबसे ऊपर वाला फंक्शन, पाई बाई 2 के लिए बीच वाला फंक्शन, और पाई बाई 2 से बड़ा वैल्यूज के लिए लास्ट वाला फंक्शन। और आपको प्रूफ करना है, आपको P और Q का वैल्यू निकालना है। पहले ही बता दिया कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अब यहाँ पे लॉजिकली आपको ये सोचना होगा कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाला फंक्शन आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाला फंक्शन आएगा, और हमारा P है बीच में, और आपको P और Q का वैल्यू निकालना है। अब थोड़ा सा सोचिए, आई गिव यू अराउंड 3-4 मिनट्स। इसका 2 क्वेश्चन भी अगर हम आज क्लास में डिस्कस कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। सोचिए, बिकॉज नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच केम इन बोर्ड्स, है ना, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के मुश्किल कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप क्या पहले Q का वैल्यू निकाल सकोगे या पहला P का वैल्यू निकाल सकोगे, ये सबसे पहले आपको सवाल पूछना होगा खुद को।
हुआ सॉल्व किसी का? एक मिनट आर्यन बता रहा हूं। हाँ आर्यन, पी का वैल्यू तो सही है। आई थिंक सबको ये आइडिया हो रहा है कि जो सबसे पहला वाला फंक्शन है उसमें ना ही पी है ना ही क्यू है, तो आप अगर उसको सिंप्लीफाई करते हो तो पी का वैल्यू वहीं से निकल कर आ जाएगा, राइट? मैं स्टार्टिंग वाला पार्ट करता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग वाला। अब देखो यहाँ पे तो आपको प्रॉपर राइटिंग करनी पड़ेगी, तो राइटिंग में मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करना होगा, तो यहाँ दिक्कत ये होती है कि सॉल्व करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। जैसे अब अगर हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? दैट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचिंग पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। अब यहां देखो ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, ऊपर है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, नीचे है 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है, बिकॉज आपको ऑलरेडी दिख रहा है, देखो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी, बिकॉज डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लगते हुए नहीं दिख रहा। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट होंगे जो प्रॉपर वो एच वाले फॉर्म में ले जाना चाहेंगे, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपको क्वेश्चन की लेंथ ऑलरेडी दिख रही है बहुत बढ़िया, तो अगर मैं सीबीएसई के मार्किंग सीम के अकॉर्डिंग चलूं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो ऑलरेडी सिंप्लीफाई करने में अच्छा खासा टाइम लग रहा है वहां पे उन्होंने एच वगैरह में चेंज नहीं किया है, तो आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे जो अपना नॉर्मल मेथड फॉलो करते थे हम वो भी कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड अगेन, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आपका काम आसान हो रहा है, कहाँ पे मुश्किल हो रहा है। जहां मुश्किल हो रहा है वहां पे अवॉइड करेंगे। सो अब आते हैं न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन क्यूब दिख रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर दिख रहा है, 3 क्रॉस स्क्वायर। सबसे पहली चीज जो दिमाग में हिट कर रही होगी कि कॉस स्क्वायर जो है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, कॉस स्क्वायर जो है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बन जाएगा, ठीक है? ये हो गया मेरा पहला चीज। नेक्स्ट, तो अगर नीचे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन बन रहा है, ऊपर भी वो होना चाहिए। रीजन क्या क्यों कह रहा हूं? आप जब x का वैल्यू पाई बाई टू रख रहे हो, पाई बाई टू रखने के कारण ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, पाई बाई टू रखने के कारण 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है ना, 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, मतलब कोई एक फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, वहीं पे 0 निकल आ रहा होगा, तो हमको वो कॉमन फैक्टर निकालने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट तरीका तो पहचानने के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में देखो जो कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है उसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखने के बाद अगले स्टेप में वो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आप ही देखो कि कौन सा फैक्टर था, खुद ही पता चल जाएगा कौन सा फैक्टर था। तो जब हम यहाँ पे पाई बाई टू रख रहे हैं तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 माइनस 1 0, तो दिस इज द फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, एंड हाई चांसेस सेम फैक्टर आपको न्यूमरेटर में भी मिलेगा। तो अब आपको यहां से ये पता चल जाता है कि न्यूमरेटर में हमको 1 माइनस साइन एक्स लेकर आना है। कैसे लाओगे? तो नाउ इफ आई थिंक अबाउट 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, तो आई कैन कंसिडर इट एज 1 क्यूब, मैं उसको 1 क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स के फॉर्म में कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन गया, ये अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो आप? उसको लिख सकते हो ए माइनस बी। तो यहां देखिए मैंने ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा, ए हमारा 1 है, बी हमारा साइन एक्स है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, आ रही बात समझ में? इस तरीके से प्रैक्टिस करके थोड़ा सा आपको आइडिया भी जनरेट होगा, और तब एक स्टेप डिनोमिनेटर को सॉल्व करने से आइडिया मिल गया कि न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए।
दिव्यांशु गलत है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, और अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जब साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होता है, तो अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो ऊपर क्या बनेगा, वन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वन प्लस वन। तो फाइनली ये अपना थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू का फॉर्म आ गया, थ्री थ्री कैंसिल, सो वन बाई टू, ठीक है। तो यहां से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू वन बाई टू आ गया। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू वन बाई टू आ गया, मतलब पी का वैल्यू भी वन बाई टू हो जाएगा, है ना, पी का वैल्यू भी वन बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लॉजिक लगाओगे, वन माइनस साइन एक्स है, दो तरीके एक्चुअली, एक है कि आप पाई बाई टू, अगर वहां पे वन माइनस साइन एक्स की जगह, एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, वन माइनस साइन एक्स की जगह अगर वन माइनस कॉस एक्स होता तो काम आसान हो सकता था, है ना। अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा है, मतलब लिमिट्स के साथ साथ प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स जिन जिन ने सॉल्व किया है अगर आरडी शर्मा से, उनको दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि अगर हम बात करें वन माइनस साइन एक्स का, वन माइनस साइन एक्स को लिखने का एक तरीका क्या हुआ, वो जो वन दिख रहा है उस वन को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। वन को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू वन होती है, और ये जो साइन एक्स है इसको साइन टू थीटा समझकर, साइन टू थीटा समझकर टू साइन ए कॉस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो ये बन जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया, तो दिस बिकम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक तरीका था आपके पास। सर Q2 आ रहा है क्या, Q का वैल्यू आपका 2 आ रहा है, नहीं, ठीक है। अब सोचो, अब आपको यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जैसा फॉर्म दिख गया, और वो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देखा था, तो इसको हम प्रॉपर साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए थे ना स्टूडेंट्स, तो सेम अब यहाँ पे यूज हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे यूज हो जाएगी। इसको अब हम क्या लिखेंगे, अगर सब कुछ सेम यूज करते हो, स्क्वायर आ गया, बस इतना ही अंतर है, तो स्क्वायर आने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, रूट टू के जगह टू हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस पाई बाई एट, एक्स बाई टू माइनस पाई बाई एट। तो अब साइन का एंगल हो गया एक्स बाई टू माइनस पाई बाई एट, हमको देखना है कि क्या हम वहां से ये चीज उठा सकते हैं, क्या हम जो डिनोमिनेटर है वहां पे ये चीज फॉर्म कर सकते हैं, पाई बाई एट नहीं तो पाई बाई फोर ही रहेगा ना यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहां तक, एनीवन बताओ, कोई प्रॉब्लम अनिमेश? यहां पे इस वाले को अगर हम थोड़ा सा याद रखें, अभी ये सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना आया था, तो बाहर रूट टू था और अंदर साइन ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर था, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं अनिमेश कि यहां पे अगर एक्स था तो यहां पे भी x आ गया, ठीक है। अब यहां सोचिए, इस क्वेश्चन में x की जगह क्या है, x बाई टू है, तो इसलिए यहाँ पे x बाई टू आया है, पाई बाई फोर तो पाई बाई फोर ही रहेगा, बिकॉज वो वन बाई रूट टू जो है 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और क्योंकि इसमें स्क्वायर लग रहा है, वहां पे स्क्वायर नहीं था, तो अब रूट टू के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा तो टू बन जाएगा, और साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो बेसिकली देखो, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन जो है, अच्छा ये वाला,
यहां पे देखिए कि ये जो साइन एक्स था, इसको आप अगर मन में साइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स बाई टू करके सोचोगे, साइन टू थीटा जैसा सोचोगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने उसको टू साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो वन है उसको हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के फॉर्म में लिख दिया। तो बेसिकली ये सबसे पहले कन्वर्ट हुआ किस पे, ये सबसे पहले कन्वर्ट हुआ यहाँ, और फिर इसको हमने फर्दर चेंज किया इस पोजिशन पे। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्री, कितने ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे हो, बिकॉज ये सब एक्सप्रेशन सॉल्व करते करते कहीं ना याद हो जाता है कि हमको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से ये आ जाएगा। अभी जस्ट आपके साथ ही मैंने ये सॉल्व किया था तो मुझे याद आ गया कि इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे राइट हैंड लिमिट, देखो मैं राइट हैंड लिमिट को अब कैसे चेंज करता हूँ। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग पाई बाई टू प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वन माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए सोचोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ये न्यूमरेटर की अगर बात करें, सबसे पहले न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया, हमने 1 माइनस साइन एक्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो अब q आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और उसके बाद साइन स्क्वायर x बाई टू माइनस फाइव बाई फोर आएगा, है ना, q आएगा, 2 आएगा, फिर साइन स्क्वायर x बाई टू माइनस फाइव बाई फोर आएगा। अब आ जाइए डिनोमिनेटर पे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम साइन कहीं ना कहीं हमको साइन दिख गया है, तो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि साइन का जो भी एंगल दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी हम उसी को फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको पाई बाई फोर चाहिए, हमको पाई बाई फोर चाहिए, हमको एक्स बाई टू चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये ब्रैकेट में से फोर बाहर निकालूं, जैसे यहाँ पे अगर हमको हम पाई बाई फोर लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम पाई बाई फोर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाई के जगह पाई बाई फोर किए तो चार से डिवाइड करती है, और अगर आप टू एक्स को भी चार से डिवाइड करोगे तो वो एक्स बाई टू बनेगा, लेकिन आपने चार से डिवाइड किया तो बाहर चार का स्क्वायर होना पड़ेगा कि नहीं, चार से डिवाइड किया है तो बाहर चार का स्क्वायर होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सो अब ये एंगल सेम हो गया, अब ये एंगल सेम हो गया, तो आप समझ सकते हो कि ये वाला हिस्से का तो लिमिट वन हो गया। सर सेम नहीं, क्या सर सेम नहीं है, उल्टा, वो तो माइनस है ना, माइनस है, अंतर क्या करेगा वो, आप माइनस फोर निकाल लो बाहर, स्क्वायर है सर तो अंतर नहीं करेगा, क्या स्क्वायर भी तो है ना, हाँ वही कह रहा हूँ, स्क्वायर है ना, तो मतलब अब माइनस वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर एक ही बात होता है। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू इंटू टू अपॉन ये बचा, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई हमारे पास q इंटू टू अपॉन फोर स्क्वायर 16, ये तो 8 बना दिया इसको, तो ये हमारे पास q बाई 8 आया, और ऊपर से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था हमारा 1 बाई 2, तो अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल की वैल्यू 1 बाई 2 थी, आर एच एल की वैल्यू q बाई 8 आई, यहाँ से हमारे को q का वैल्यू कितना मिल गया, U का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, इट्स ऑलमोस्ट 9:30 नाउ, गो थ्रू कीजिएगा, यहां पे मैंने और दो तीन क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है, ऑल दीज आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओनली, ताकि आपको पता चल जाएगा कि 4 मार्क्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, मैं आपको एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से भी थोड़ा सा टास्क देता हूं, आप उसको सॉल्व करना, चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर।